वसरेहर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत किल्ली सुल्तानपुर वसरेहर बिजली घर से किल्ली सुल्तानपुर फीडर से 38 गांव लगते हैं। रसूलाबाद, भदवा, सावरण, राजपुरा, सरैया ताड़, नगलावेरी, अयारा, जैतपुर, रिटौली अनेक गांव जनपद में विभाग ने शहर में 24 और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे सप्लाई का रोस्टर बना रखा है। कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का बुरा हाल है। लोगों को महज 6 से 8 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बिजली कटौती से परेशान किल्ली सुल्तानपुर सोमवार सुबह 9 बजे प्रदर्शन भी किया गया और बताया सरकारी गोदाम से लेकर करीब लगभग 2 किलोमीटर तक ट्रांसफार्मर से सप्लाई दी जा रही है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि अंबेडकर नगर किल्ली मोहल्ले में करीब 100 मकान हैं। अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं वहां पर। लाइट से पंखा, कूलर, पानी के लिए समर नहीं चल पा रही। इसी विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीण सत्यराम, सुनील कुमार, अशोक कुमार, लज्जाराम, छोटेलाल, ज्ञान सिंह, जवर सिंह, बेबी देवी, हरवान सिंह, नीरज बाबू, अनिल डीलर, लाल सिंह, आसाराम, गंगा सागर, सुरेंद्र सिंह, मुन्ना लाल, सचिन कुमार, सुरजीत राठौर, केशव सिंह, रामपाल अनेक ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और बताया इसकी शिकायत भरतना SDO और JEE और मुख्यमंत्री या पोर्टल पर भी शिकायत की गई और अनुसूचित जाति के सांसद रामशंकर कठेरिया शनिवार को किल्ली सुल्तानपुर में जनसमस्या सुनने के लिए पहुंचे। वहां पर ग्रामीणों ने शिकायत की। उनके आदेश होने के बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि मोबाइल चार्जिंग करने के बाद टॉर्च चलाकर काम करते हैं। इसी में कस्बा वसरेहर टाउन एरिया में व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक पोरवाल, महामंत्री लतीफा मंसूरी लाल जी पोरवाल का कहना है कि जमीनी विवाद बिजली की कटौती से उपभोक्ता परेशान है। कस्बे में 24 घंटे में कुल 10 या 12 घंटे तक बिजली की सप्लाई दी जाती है। हम सभी व्यापारी गर्मी से बहुत बुरे हाल में हैं। आरोप लगाया है कि बिजली विभाग क्षेत्र में बिजली की सप्लाई मनमानी तरीके से कर रहा है। बात ये नहीं कहता है, बिल बात मारे जा रहे 50,000 रुपया बिल भर चुके। अच्छा नहीं आती है, नहीं कहूँ आइए तो नहीं के बाद घंटा दो घंटा मुश्किल में आते कहूँ तार मिल कर बस। अरे परेशान ये 2-3 साल होंगे परेशान पत्ते हैं 50-60। बिजली की समस्या ये है साहब कि हमारी कट के लाइट आती है रात में, हम लोग मच्छरों से बहुत परेशान हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, बुखार से सब लोग पीड़ित हैं। मुश्किल से 6 घंटे बस, 6 से 8 इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आती है, आती है 2-4 घंटे आती है, वो भी बिल्कुल कम। ना मोबाइल चार्ज होते हैं, ना कूलर चलता है, ना पंखा चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। यहाँ लगभग 2-3 साल हो गए हैं। काफ़ी बार शिकायतें की, हर जगह एप्लीकेशन दी, कोई सुनाई नहीं होती है। कभी भी बिजली आती है और जाती है, कुल 6 से 8 घंटे बिजली मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में वसरेहर बिजली घर से JEE बात करनी चाहिए तो उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया। SDO भरतना राहुल कुमार ने बताया ट्रांसफार्मर के लिए एस्टीमेट भेज दिया गया है और जो ग्रामीण क्षेत्र में लाइट मिल रही है उसके लिए ब्रेकडाउन होने पर समस्या आ रही है। और यहाँ बत्ती तो ऐसी नाम मात्र के लिए आती है, तार गर्द होते लाल, न पंखा चल रहा है, न लाइट जल रही है, कोई मोबाइल तो कोई टॉर्च से काम कर रहे हैं, वो कहीं 3 सालों में परेशान है। और बत्ती वाले जो कर्मचारी हैं वे घर में जाए के न मीटर चेक करते हैं, न कसी चेक करते हैं, और वैसे बिल निकाल के तैयार कर देते हैं। हाँ और बिल हम पे इतना लगता है, वो RC कट गई बेचारे जो कि कतई काम नहीं कर रहे, और जिनके पंखा वो मतलब न पंखा चल रहे न कोई समरें चल रहे। इटावा उत्तर प्रदेश से टाइम सिटी न्यूज़ के लिए महावीर यादव की रिपोर्ट।